जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी का भी बिहार में जाति, आवासी और आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। तो जिस पर्सन का आपको जाति, आवासी, आय प्रमाण पत्र बनाना है, उस व्यक्ति का आपके पास आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका आधार कार्ड और फोटो को स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए, जैसा कि मैंने डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रुपेश नाम का एक ये फोटो है और ये मेरा आधार कार्ड है। आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालिए। डालने के बाद आप क्या करिए, गूगल क्रोम को ऑन करिए। गूगल क्रोम को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए RTPS टाइप कीजिए। जैसे ही आप अपने RTPS टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे एक लिंक आता है RTPS 2 करके, RTPS 2 पे क्लिक कीजिए। देन आपका साइट ओपन हो जाएगा और जहाँ से आप जाति, आवासी और आय प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। सबसे पहले आप क्या करिए, सामान्य प्रशासनिक विभाग पे जाइए। यहाँ पे देखिए ये लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं का ये जो एप्लीकेशंस है, ये मेरा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आता है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एंड आय प्रमाण पत्र। तो आपको जो बनाना है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है अंचल स्तर पे। आप अंचल स्तर पे बनाएंगे, उसके बाद बनेगा अनुमंडल स्तर पे और उसके बाद जिला स्तर पे। वीडियो को आप स्किप करके ना देखिए, स्किप करके अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आप अपने घर बैठे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र को कैसे बना सकते हैं। अंचल स्तर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं, ये हमें पूछेगा कि आप अपने डिटेल्स को यहाँ पे फिल करिए। तो सबसे पहले हम अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। एप्लीकेशन मेरा ऑन हो रहा है। एप्लीकेशन ऑन होने के बाद हम अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। देखिए तो क्या क्या आपको इस आवेदन में आपको डालना है, पूरा खुलने दीजिए। खुलने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लिंग, आपका जेंडर क्या है, पुरुष है तो पुरुष डालिए, स्त्री है तो स्त्री डालिए। यहाँ पे आप अपने नाम के आगे अभिभावक का अभिवादन के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहला है एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालिए। देन यहाँ से हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे फादर का नाम डालना है, मदर नाम डालना है, देन हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम डालना है, आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है, आवेदक का ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है। राज्य और जिला सेलेक्ट करने के बाद आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल के बाद यहां से आप प्रखंड, जो आपका ब्लॉक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप अपना वार्ड नंबर डालेंगे। वार्ड नंबर डालने के बाद ये ग्राम पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे। अपना गाँव मोहल्ला का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना डाकघर लिखेंगे, थाना लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। और लिखने के बाद यहाँ से चूज फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना फोटो को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फोटो सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी कोई फोटो आपको डालना है, फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फोटो आ गया। फोटो आने के बाद आपको क्या करना है, आधार संख्या नहीं डालना है। अगर आप आधार संख्या डालते हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, जो कि आपका मोबाइल में OTP जाएगा, जिसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। बिना आधार नंबर डाले भी आपका जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अस्थाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अस्थाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को आप यहाँ पे डालेंगे। हम यहाँ पे कैप्चर डालते हैं 699663 कैप्चर हम डालते हैं। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नीचे जाके यहाँ पे प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आगे का प्रोसेस आपका होगा। प्रोसेस होने के बाद ये पोर्शन आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ये पोर्शन मेरा ऑन हो गया। ये पोर्शन ऑन होने के बाद अटैच वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ से आपको पूछेगा कि आप डॉक्यूमेंट में क्या डालना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हम आधार कार्ड डालना चाहते हैं, आधार कार्ड पे हम क्लिक करते हैं। आधार कार्ड यहाँ से आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। देखिए जहाँ कहीं भी मेरा आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड को हम ले लेंगे, जहाँ पे भी हम सेव करके रखे होंगे ओपन करेंगे आधार कार्ड को, और ओपन करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं ये मेरा फाइनल सबमिट हो गया। जैसे हम फाइनल सबमिट मेरा होगा एप्लीकेशंस देन मेरा रिसीविंग मेरे सामने आ जाएगा, और रिसीविंग आने के बाद उस रिसीविंग को आपको अपने पास रखना है या फिर अपने ब्लॉक में जाना है। देखिए यहाँ पे आ गया फाइनल, हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, फाइनल सबमिट यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा होगा और कैंसिल, हमको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, ये मेरा आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसे आप अपने रखिए, और इसमें जो टाइम आपको मिलता है उस टाइम में उस डेट में आप जाइए अपने ब्लॉक में, और वहाँ से आप अपने जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आप